इतना बड़ा, इतना बड़ा शोरूम है, कोई बड़ा शोरूम नहीं, आ जाओ एक नंबर शोरूम है। अरे आओ महंगा नहीं मिलेगा, चलो 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 चलो, महंगा मिलेगा, अरे कोई महंगा नहीं मिलेगा, एक नंबर शोरूम में आ जाओ। अरे आइए आइए, नमस्कार, शर्मा ऑप्टिकल में स्वागत है आपका, क्या सेवा करूँ आपकी? अरे नहीं नहीं भैया, सेवा क्या, आप तो ये बच्चों को कुछ दिखा दीजिए बस। नहीं नहीं भैया, हमारे लिए नहीं पापा के लिए दिखाओ, हमेशा इनको हमारी गलती दिखती है। ये चुप रहो। हाँ, अरे ये वाला हटाओ। हाँ, ये पहनो। मेरा बाप आप दिख रहे हो ना एकदम इंसान। तो इंसान नहीं हो क्या मैं? अच्छे इंसान, अच्छे अच्छे इंसान। वैसे ये है कितने का? मात्र 300 रुपए का है। बड़ा था ना शोरूम, बड़ा है, दिल एकदम मुलायम। जी हाँ, 61 वर्षों के पूरे खंडवा का विश्वास, शर्मा ऑप्टिकल, बड़ावा अशोक आदि को सांगो होगा। चाचा पापा कब तक आएंगे? अरे यार बेटा, तेरे पापा को समय का है ना, कोई ठिकाना नहीं है, मैं तो कहता हूँ। एक मिनट रुक, मैं आया। कहाँ जा रहे हो? अरे जन सेवा। अब तक स्टैंड गाड़ी का ऊपर है। नहीं थैंक यू वाली कोई बात नहीं, देखो मेरा ये फर्ज है कि मैं लोगों को इसके प्रति बताऊं, जागरूक करूं कि ऐसे एक्सीडेंट होने से क्या दुर्घटना हो सकती है। थैंक यू। ओके यार चाचा, जन सेवा। अब मैं क्या करूं, समझा? चाचा वो देखो उनकी गाड़ी का स्टैंड नीचे। मैं मरंदे था लोगो, इनके बारे में क्या बोलना है? चावल लेके घुमा करो साथ में, जहाँ बेटा एक्सीडेंट हुआ वही पिंडदान तुम्हारा, जाओ मरो सालो, कुचल दो लोगों को। जन सेवा भाड़ में गई। चाचा ये, अरे थोड़ा ज्यादा छील, तब तो लगेगा वो। अच्छा मतलब करें किसमें? बस 2 दिन की जिंदगी है, शनिवार और रविवार, बाकी दिन तो ऐसा लगता है जली रहने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, और कुछ नहीं कहूंगा। अरे खा लो खा लो, आराम से खाओ, तुम्हारी मम्मी बाहर गई है ना, तो मैंने कहा था उन्हें कि मैं खिला दूंगी बच्चों को खाना। कैसा बना है वैसे खाना बताओ? कैसा बना इसे क्या कहते हैं? अरे ये सब्जी है, लेकिन ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं वो स्वर्ग में किसी ने पूछा क्या खाकर मरे थे, तो बता तो पाऊंगा।